दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार लिव-इन रिलेशनशिप को लेके कानून आ गया है। इसके पहले यदि कोई भी कपल जो कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स की जो गाइडलाइन रहती थी उसके अकॉर्डिंग रहते थे। लेकिन रिसेंटली अब देश में पहली बार इसकी शुरुआत उत्तराखंड के द्वारा हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी कानून पास कर दिया है। यूसीसी जिसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, इसके तहत जितने भी हमारे फैमिली लॉ थे अब सब पर एक प्रकार से एप्लीकेबल होंगे। एक लॉ होगा और वो सारी कम्युनिटी पर समान रूप से लागू होगा। तो इसी को लेके इसमें एक क्लियर चैप्टर जो है लिव-इन रिलेशनशिप को लेके जोड़ दिया गया है कि यदि ऐसे कपल जो कि लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की क्या प्रोसेस है, कौन से व्यक्ति जो है लिव-इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, कौन लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, इसकी प्रोसेस क्या है, अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होगा, और यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं और फिर भी लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हो तो आपके लिए क्या सजा हो सकती है, कितना आपको जुर्माना लग सकता है। तो ये सभी चीज़ों को लेके आपके जितने भी प्रश्न हैं इन सभी के प्रश्न के आंसर जो है आपको मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि ये जो कानून है कैसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अभी तक जो है जितने भी कपल्स जो हैं लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आती थी, उनके ऊपर FIR करवा दी जाती थी जिसकी वजह से फिर उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता था उस FIR को रद्द करवाने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको लिव-इन रिलेशनशिप में रहना है तो इसमें जो है एज जो है 18+ रखी हुई है, मीन्स आप जो है दोनों मेजर होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें एक और प्रोविजन है कि अगर आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहना भी चाहते हो तो आपके पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं जो है जानकारी इसकी होना चाहिए कि आप जो है लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप लिव-इन रिलेशनशिप में रहें तो आपके लिए जहाँ पे भी आप रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, मीन्स ये कंपलसरी है। आप SDM कोर्ट जाएंगे, लाइक आप जो है रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, वहाँ पे अपना एक प्रोफार्मा होगा, उस प्रोफार्मा को आप फिलअप करेंगे, उसको रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर एक फीस होगी और उसके बाद जो है सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद जो है आपको सरकार से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट के द्वारा ही आपको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको आपसे कुछ इलीगली चीज़ें करवा रहा है, आपसे बार बार आपको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो आप जो है उनकी शिकायत कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने लिव इन रिलेशनशिप के लिए अप्लाई कर दिया है और आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो इसको लेके सजा के भी प्रावधान है, इसके साथ साथ आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे कपल जो कि अब 2024 में चाहते हैं कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहें तो आप जो है इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें और एक सही एडवोकेट से जो है गाइडेंस लें कि आपका सर्टिफिकेट, आपका जो लिव-इन रिलेशनशिप जो सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो एक सही एडवोकेट से एडवाइस लें और सर्टिफिकेट बनने के बाद जो है आप दोनों साथ में रह सकते हैं। तो यह एक जो है पूरी एक कंप्लीट प्रोसेस है और यह जो कानून है अभी फिलहाल उत्तराखंड में लागू हुआ है, पूरे देश में लागू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत जो है अभी उत्तराखंड से हुई है। तो उत्तराखंड के जो कपल्स हैं खासकर इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अगर आप नहीं करवाते हैं तो यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। सो थैंक यू एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।